नमस्कार, फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है इंडियन पेंटिंग्स। और चूंकि ये टॉपिक लंबा है, हम इसे कई पार्ट्स में करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर इस टॉपिक का पार्ट वन है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पेंटिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में। लेकिन इससे पहले समझना जरूरी है कि पेंटिंग कोई आज की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी वर्तमान समय में पेंटिंग की जो कला है, चित्रकला की जो कला है, अभी उभर के सामने आई। बहुत पुराने समय से लोग पेंटिंग्स करते आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो इस बात को सिद्ध भी करते हैं, जैसे कि भीम बेटका हो गया, मिर्ज़ापुर, पचमढ़ी, इन सब जगह पे बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं। और इस बात का सबूत है कि पेंटिंग्स की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है, अभी नई नई है इसकी हिस्ट्री, बहुत समय से। और बहुत जो हमारे शुरुआती जो प्री हिस्टोरिक आदमी लोग थे, उस समय से इस पेंटिंग को किया जाते रहा है और वो लोग हमेशा से करते रहे हैं। सो एक तो प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स आपका एग्जांपल देता है कि पेंटिंग की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पॉटरी होती थी, उसमें भी आप देखते थे कि वो भी पेंटेड पॉटरी होती थी। जब मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने पेंटेड पॉटरी का जिक्र किया था, तो वो भी इंडिकेट करता है कि पॉटरी बहुत पुरानी है। लेकिन अगर हम लोग कहें एक आर्ट के तौर पर फुल फ्लेज कब से इसकी शुरुआत हुई, तो ऐसा क्रेडिट दिया जाता है कि गुप्ता एज के दौरान जो पेंटिंग का आर्ट है वो बेसिकली फ्लॉरिश किया। नाउ 4th सेंचुरी के टाइम पे विशाखदत्त जो है, उन्होंने अपना एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत प्ले लिखा जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। और इस मुद्रा राक्षस में उन्होंने कई सारी पेंटिंग्स का जिक्र किया। न सिर्फ उन्होंने कई सारी पेंटिंग्स का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने 6 बेसिक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए जो कि पेंटिंग से रिलेटेड थे। और इन 6 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को हम लोग कई बार षडांग्स ऑफ पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब ये 6 प्रिंसिपल्स हैं क्या? तो पहला है रूप भेद, दूसरा है सदृश्यन, तीसरा है भाव, चौथा है वर्णिका भंग, चौथा है प्रमाणम और 5वां है लावण्या योगनम। अब ये इसका सबका मतलब क्या है, इन 6 प्रिंसिपल का? सबसे पहला है रूप भेद। रूप भेद का मतलब होता है वैरायटी ऑफ फॉर्म। जो भी आर्टिस्ट है उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। लाइक एक पर्टिकुलर चीज जिसे वो डिपिक्ट करना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्म किस तरह से है। लाइफ का फॉर्म अलग होता है, डेथ का फॉर्म अलग होता है, एक ह्यूमन फिगर एक अलग तरीके से दिखता है, एनिमल अलग तरीके से दिखता है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स अलग होते हैं, तो उसका फॉर्म का क्या वैरायटी है, किस तरीके से है, उसको दिखाना रूप भेद कहते हैं। रूप भेद 2 शब्दों से बना है, रूप और भेद। तो रूप का मतलब आकार क्या है और भेद यानी डिफरेंस। तो आपके अलग अलग चीजों के फॉर्म में क्या डिफरेंस है, क्या वैरायटी है, उसे ही हम लोग रूप भेद कहते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो आपका सदृश्यान। इसका मतलब होता है कि जो आपका सब्जेक्ट आप अपने मन में सोच रहे हैं, जिसे आपको डिपिक्ट करना चाहते हैं, आप उसको सही तरीके से डिपिक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको सही तरीके से डिपिक्ट कर पाना, उसे सही तरीके से परसीव कर पाना, दैट इज सेड टू बी सदृश्य। नेक्स्ट है भाव। कोई भी पेंटिंग बिना एक्सप्रेशन के वो कंप्लीट नहीं होती है। चाहे आप किसी भी चीज़ की पेंटिंग क्यों ना बना रहे हो, आर्टिस्ट किसी भी तरह का, उसमें एक्सप्रेशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं, दैट इज सेड टू बी भाव। ठीक है, और उसे हम लोग कलर वगैरह की मदद से हम लोग उसको में वो भाव लाने की कोशिश करते हैं, और तभी जा करके वो हमारी पेंटिंग जो है वो बहुत खूबसूरत दिखती है। नेक्स्ट है वर्णिका भंग। अगर हम लोग बाकी सारे 5 के बारे में अगर बात करेंगे, रूप भेद, सदृश्यन, भाव, प्रमाण, लावण्य, योगम, तो इन सभी को हम लोग देख करके परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जो वर्णिका भंगम है उसका मतलब होता है पेंट वगैरह जो ब्रश है उसका यूज आपको पता होना चाहिए। अलग अलग कलर्स के इफेक्ट को मिक्स करके आप एक अलग तरीके का इफेक्ट क्रिएट करना, कलर्स को मिक्स करना, ब्रश का इस्तेमाल करना, दैट इज सेड टू बी वर्णिका भंग। और इसे करने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। प्रमाणम का मतलब होता है कि आपके ऑब्जेक्ट या फिर जिस चीज को आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका प्रोपोर्शन क्या है। ये प्रोपोर्शन पता होना बहुत जरूरी है कि आपका लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है या छोटा है, कि
किसी पर्टिकुलर चीज से उसकी दूरी क्या है, मतलब आपकी ह्यूमन एनाटॉमी कहता है ना कि शरीर में आंख जो है आपका इतना दूरी पे होगा, आपका फेस का जो साइज होगा वो होगा, आपका हाथ एक पर्टिकुलर होगा, ये नहीं कि हाथ बहुत बड़ा बना दिए, पैर बहुत बड़ा बना दिए, आपका पेट छोटा दिखा दिए, सबका एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उसका प्रोपोर्शन में होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं दिखेगा। और यही जो प्रोपोर्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का, उसे हम लोग प्रमाणन कहते हैं। नाउ लावण्य योगम किसे कहते हैं, तो जितने भी तरह के इमोशंस हैं उसको पर्टिकुलरली, जैसे भाव का मतलब का एक्सप्रेशन, प्रमाणम आपका ऑब्जेक्ट के प्रपोर्शन, तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो उसी को बैलेंस करने का काम लावण्य योगम कहता है। ये इसमें आपकी जो चीज़ें हैं, जितने भी इमोशंस, सबको परफेक्टली बैलेंस करके आपकी पेंटिंग जो आपने बनाया है उसको बहुत ही खूबसूरती प्रदान करता है। तो ये थे आपके 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पेंटिंग के। आगे हम लोग बात करते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो पेंटिंग्स का जिक्र है वो हमें बहुत सारे लिटरेचर में देखने को मिलता है, जैसे कि ब्राह्मणों का जो साहित्य है या फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर की हम लोग बात करें, उन सभी में आपको पेंटिंग का जिक्र मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो अलग अलग आपके दंत कथाएं होती हैं, मिथ्स होता है, उसको टेक्सटाइल पर रिप्रेजेंट किया जाता था, एंड वो जो टेक्सटाइल पर इनका रिप्रेजेंटेशन था दंत कथाओं का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिप्या चित्र कहते हैं। और इसका जिक्र आपको ब्राह्मण साहित्य या फिर बौद्ध साहित्य में मिलता है। इसके अलावा लेख चित्र के भी जिक्र आपको मिलते हैं इन लिटरेचर में। लेख चित्र में क्या होता था कि आपका ड्राइंग, लाइन ड्राइंग्स होता था, लाइन के मदद से कई बार हम लोग चीजों को दिखाते हैं, तो उन लाइन ड्राइंग्स और स्केचेस से बना होता है आपका लेख चित्र। फिर इसका जिक्र मिलता है लेप चित्र का, लेख चित्र का, धूली चित्र का, पथ चित्र का, इन सभी का रेफरेंसेस आपको ब्राह्मण के लिटरेचर और आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर में देखने को मिलता है। तो एक तो मुद्रा राक्षस जो किताब थी उसमें विशाख दत्त ने 6 प्रिंसिपल्स का बात किया। उसके अलावा मुद्रा राक्षस में आपको अलग अलग तरह की पेंटिंग्स के नाम का भी मेंशन मिलता है, और इन पेंटिंग्स के नाम से यह हमें समझने में मिलता है कि कौन कौन से अलग अलग स्टाइल की पेंटिंग्स होती हैं। और इसके अलावा जो हम लोगों ने षडांग्स पढ़े उसका कहाँ किस तरह से अप्लीकेशन है उसको ऑब्जर्व करने में हम लोग को मदद करता है कि हाँ कहाँ पे प्रमाणम का इस्तेमाल हुआ, कहाँ पर लावण्य योगनम है, भाव है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों को समझने में ये बहुत मदद मिलती है जब हमें अलग अलग तरह के पेंटिंग्स का पता होता है। तो 3 बेसिक इंपॉर्टेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग का जो जिक्र किया गया है मुद्रा राक्षस में वो है कॉक पिटाका, दिगाला पिटाका और यम पिटाका। अब चौक पिटाका में क्या होता है, तो बेसिकली ये आपका एक फ्रेम ड्राइंग होता है, एक फ्रेम के अंदर ड्राइंग की जाती है, उसको कॉक पिटाका कहते हैं। दिगाला पिटाका बड़े बड़े स्क्रॉल्स होते हैं पेंटिंग के, और यम पिटाका ये बेसिकली आइसोलेटेड पेंटिंग्स होता है। इन 3 पेंटिंग्स का जिक्र आपको मुद्रा राक्षस के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली पेंटिंग्स के उसके ऊपर। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है, तो मतलब जब से हम लोगों ने हिस्ट्री रिकॉर्ड करनी शुरू की उसके पहले का, ऐसा नहीं था ना कि जब से हम लोगों ने हिस्ट्री रिकॉर्ड करनी शुरू की तभी से उसके पहले कुछ नहीं था। तो हिस्ट्री रिकॉर्ड होने से पहले का जो टाइम होता है उसे हम लोग प्री हिस्टोरिक कहते हैं। ठीक है, और उस प्री हिस्टोरिक टाइम की जो पेंटिंग्स हैं हम लोग उसका भी जिक्र करेंगे। तो ये जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स होती थी ये ज़्यादातर आपके पत्थरों पर बनाई जाती थी, और इन पत्थरों पे भी कैसे किया जाता, तो इंग्रेविंग्स के जरिए हथौड़ा वगैरह का इस्तेमाल करके वो उसे साफ करते थे, या पर्टिकुलरली उसके जरिए जो पेंटिंग्स बनाते थे ना उसे हम लोग पेट्रोग्लिफ्स कहते थे। अब ये पेट्रोग्लिफ्स दिखने में कैसे होते हैं आप ये फिगर देख करके और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये जो दोनों फिगर है ना ये आपके पेट्रोग्लिफ्स का उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि बड़ा सा पत्थर है और छेनी हथौड़ी की मदद से इस पर इंग्रेविंग की गई है, और तब जाकर के जो अंदर का सर्फेस है ना वो क्लियर हो गया और एक तरह की पेंटिंग तैयार हो गई है। तो ये दोनों तरह की जो है वो उदाहरण है आपके पेट्रोग्लिफ के, और इसे ही जो जब पत्थर पे आपके क्रेविंग की जाती है उसकी मदद से जो पेंटिंग तैयार होता है ना दैट इज सेड टू बी पेट्रोग्लिफ्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तरह की जो आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है उसे डिस्कवर किया था किसने, तो भीम बेदका के केव्स में डिस्कवर हुई थी, वहां पे ही हमें सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स का उदाहरण मिलता है। और ये भीम बेदका की जो गुफाएं हैं वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इन भीमबेटका की पेंटिंग्स को सबसे पहले डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है एक आर्कियोलॉजिस्ट को जिनका नाम है वीएस वावंकर, और इन्होंने भीमबेटका की पेंटिंग्स को डिस्कवर किया था 1957 से 58 के बीच में। अब इन पेंटिंग्स में ज्यादातर आपके जानवरों को दिखाया गया है, जैसे कि बाइसन्स को दिखाया गया है, बियर को दिखाया गया है, टाइगर को दिखाया गया है, जो और चूंकि बहुत सारे जानवरों को इन पेंटिंग्स में दिखाया गया है इसलिए कई बार इन्हें जू रॉक शेल्टर भी हम लोग कहते हैं।
क्यों जू रॉक शेल्टर कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे जानवरों को इन पेंटिंग्स में दिखाया गया है। अब जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है ना, उसे हम लोग तीन मेजर फेजेस में बांटते हैं। एक हो गया आपका अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि 40,000 से लेकर के 10,000 बीसी का जो पीरियड है उसे हम लोग अपर पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। फिर 10,000 से लेकर के 4,000 बीसी तक का जो पीरियड है उसे हम लोग मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, और उसके बाद का जो समय है उसे हम लोग चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट आपके प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के मेजर फेजेस हैं। हम लोग बारी बारी से इन तीनों फेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपर पैलियोलिथिक पीरियड से। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड्स में क्या था कि जो बड़े बड़े रॉक शेल्टर केव्स हुआ करते थे, रॉक शेल्टर केव्स कहने का मतलब जो पत्थर की बनी गुफाएं होती थी और उसमें लोग रहते थे, शेल्टर लेते थे, तो उसकी जो दीवारें होती थी वो आपकी क्वार्ट्जाइट से बनी होती हैं, और इसीलिए हम लोग उसको क्वार्ट्जाइट वॉल्स के नाम से जानते हैं। और उस पे पिगमेंट्स के लिए मिनरल्स का लोग इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, उस समय तो आर्टिफिशियल कलर्स ऐसा कुछ होता नहीं था, और पत्थर पे वो पेंटिंग्स ड्रॉ करने के लिए वो एक सर्टेन मिनरल्स का इस्तेमाल करते थे, और वो मिनरल्स जो है वो पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते थे। और जो सबसे कॉमन मिनरल है जिसका इस्तेमाल लोगों के द्वारा किया जाता था वो था आपका ओकरे, या फिर हम लोग हिंदी में इसे गेरू के नाम से जानते हैं। और इस ओकरे या गेरू को जब लोग लाइम और पानी के साथ मिक्स करते थे तो वो कलर देता था। ठीक है, अब उन्होंने अलग अलग मिनरल, उस समय के जो लोग थे उन्होंने अलग अलग मिनरल्स का इस्तेमाल किया अलग अलग तरह के कलर्स का निर्माण करने के लिए। जैसे उन्होंने रेड कलर बना लिया, व्हाइट कलर बना लिया, येलो, ग्रीन। तो आप देख सकते हैं कि जितना ज्यादा कलर की वैरायटी होगी उतना ज्यादा उनके पास ऑप्शंस होगा। तो उन्होंने बहुत अलग अलग मिनरल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग कलर तैयार किए, और दस उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे अपने पेंटिंग को तैयार करने के लिए। जनरली ऐसा देखा गया है कि वो लोग सफेद रंग का इस्तेमाल, डार्क रेड और ग्रीन, इसका इस्तेमाल बड़े बड़े जानवरों को दिखाने के लिए करते थे। जैसे आपका जंगली भैंसा हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस हो गया, टाइगर्स, इनको दिखाने के लिए इन तीन कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। मानव आकृति को दिखाने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता था, और रेड कलर स्पेशली हंटर्स के लिए, जो शिकारी होते थे उन्हें दिखाने के लिए रेड का इस्तेमाल करते थे, और ह्यूमन फिगर्स में जो डांसर्स होते थे उनको दिखाने के लिए हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता था। अब इस पीरियड के बाद अब हम लोग बात करेंगे मेसोलिथिक पीरियड की। तो मेसोलिथिक पीरियड में आप देखोगे कि ज्यादातर जो है, जैसे पिछले वाले पीरियड में अपर पैलियोलिथिक पीरियड में बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल होता था, लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में देखा गया है कि रेड कलर जो है ना उसका यूज सबसे ज्यादा होता था। ठीक है, रेड कलर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था, और अपर पैलियोलिथिक पीरियड के मुकाबले इस समय की जो पेंटिंग्स थी इनका साइज काफी छोटा था। मतलब उसकी कंपैरिजन में, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा था, बट अपर पैलियोलिथिक के पीरियड के कंपैरिजन में जो पेंटिंग थी उनका साइज रिलेटिवली छोटा था। और जो सबसे कॉमन सीन जो जनरली मेसोलिथिक पीरियड के पेंटिंग्स में दिखाया जाता था वो था कि लोग एक साथ मिल करके ग्रुप में हंटिंग कर रहे होते थे, यानी ग्रुप में शिकार कर रहे होते थे। और बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी भी थी जिसमें कि आपको जो ग्रेजिंग एक्टिविटी को दिखाया जाता था, या फिर किसी चीज की सवारी करते हुए दिखाया जाता था अलग अलग जानवरों की। ठीक है, तो ये सारे कुछ कॉमन थीम्स थे जो कि मेसोलिथिक पीरियड के पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलते हैं। मेसोलिथिक पीरियड के बाद हम लोग बात करेंगे चालकोलिथिक पीरियड। तो ये जो पीरियड था इसमें देखा गया था ना कि ग्रीन और येलो कलर, इन दोनों रंगों का इस्तेमाल पेंटिंग्स बनाने के लिए काफी ज्यादा किया जाने लगा। जिस तरह से आपके स्टार्टिंग वाले पीरियड में, यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड में बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे और वो लोग अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करते थे दिखाने के लिए, फिर आपका मेसोलिथिक पीरियड में रेड कलर का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, चालकोलिथिक पीरियड में ग्रीन और येलो, ये दो जो है ना वो बहुत ही प्रोमिनेंट कलर थे चालकोलिथिक पीरियड के। और ज्यादातर जो पेंटिंग्स चालकोलिथिक पीरियड के दौरान दिखाई जाती थी उसमें युद्ध के सीन को दिखाया जाता था। क्या इसका मेन आइटम होता था, तो थीम होता था, तो वो बैटल्स सीन्स होते थे। बहुत सारे ऐसे भी पेंटिंग्स थे जिसमें कि जो आपके आदमी है वो घोड़े या फिर एलिफेंट इसकी सवारी कर रहे होते, और कुछ में तो आप ये भी देख सकते थे ना कि जो आदमी है वो अपने साथ साथ इन, मतलब जो धनुष बाण था उसको भी कैरी करते थे, जो इस बात का सबूत था कि ये अपने आप को बैटल के लिए हमेशा तैयार रखते थे, यानी कभी भी अगर युद्ध होगा तो वो तुरंत अपना धनुष बाण ले करके और युद्ध के लिए तैयार हो सकते थे। ठीक है, अब ये जो केव साइट्स थे, यानी कि मतलब ऐसा नहीं था कि चालकोलिथिक पीरियड के बाद जो है वो खाली हो गया या यहाँ पे लोग नहीं रहने लगे, ऐसा नहीं था। बाद में देखा जाता था कि लेट हिस्टोरिकल पीरियड्स में भी इन केव साइट्स में लोग रहते थे, क्योंकि बहुत सारी जो पेंटिंग्स है वो आपको मिलती है अशोकन और गुप्ता पीरियड की उसमें। इसके अलावा आपके जो ब्रह्मी लिपि में अशोकन और गुप्ता पीरियड में जो चीजें लिखी जाती थी तो उसके भी सैंपल आपको चालकोलिथिक पीरियड में ये जो केव्स है ना उसमें देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि बाद के अशोकन और गुप्ता पीरियड में भी यहाँ पे लोग रहते थे। आगे बात करते हैं हम लोग चालकोलिथिक पीरियड की, तो जो दूसरे सेट की जो पेंटिंग्स हैं जो कि चालकोलिथिक पीरियड मेसोलिथिक पीरियड से हमें मिलती हैं, वो आपकी नरसिंह में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है नरसिंहगढ़, और वहां पे आपको मेसोलिथिक पीरियड की एक और सेट की पेंटिंग्स मिलती है। और इन पीरियड पेंटिंग्स में ये दिखाया गया है कि जो आपके स्पॉटेड डियर है ना, उसका जो चमड़ा है उसको सुखाते हुए दिखाया गया है। और ये इस बात का प्रूफ है कि उस समय के लोग जो है वो स्किन को टैन करने का जो आर्ट है उसमें माहिर हो चुके थे, और इस स्किन टैनिंग के आर्ट का इस्तेमाल करके वो क्लोदिंग और जो सेंटर का पर्पज था उसको सेटिस्फाई करते थे। बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसे भी थी जिसमें कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिपिक्ट किया गया था, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हार्प वगैरह यानी वीणा, उन सभी को भी आपकी बहुत सारे पेंटिंग्स पर दिखाने को की कोशिश की गई थी। बहुत सारे पेंटिंग्स ऐसे भी थे जिसमें कि कम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स को दिखाने की कोशिश की गई थी। नॉर्मल ज्योमेट्रिकल शेप हो गया आपका स्क्वायर, फिर आपका ट्राइंगल, आपका सर्कुलर, लेकिन कुछ कम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि स्पाइरल दिखाना हो गया, ठीक है, फिर आपका रोम्बाइड हो गया, फिर सर्कल को भी कुछ हद तक कम्प्लेक्स में कंसिडर किया जाता। तो इस तरह के जो शेप्स है ना वो भी आपके कुछ पेंटिंग्स में उनका भी जिक्र, उनको भी दिखाने की कोशिश की गई है। आगे बात करते हैं हम लोग, कुछ जो पेंटिंग्स है ठीक है वो आपके बाद के पीरियड को बिलोंग करती है, जैसे कि 100 BC के अराउंड के जो पीरियड है ना उस समय की पेंटिंग्स है। जैसे कि जो आपके छत्तीसगढ़ का सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के रामगढ़ हिल्स में आपका एक केव है जिसे हम लोग जोगीमारा केव्स कहते हैं, वहाँ की जो पेंटिंग्स है वो पता चलता है कि मैं बाद की बनी हुई पेंटिंग्स यानी 100 BCE के दौरान उनका निर्माण हुआ था। छत्तीसगढ़ के अगर हम लोग कनकेर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, जैसे कि आपका उटकुडा का जो सेल्टर है, गाड़ा गोडी, खैरखेड़ा, गोती तोला, कुला गांव, ये सारी ऐसे ही शेल्टर्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और इन सेल्टर्स में ना बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है, बहुत सारे एनिमल्स को, आपके हाथों की हथेली का छाप है वहाँ पे, फिर बुलॉक कास्ट, इन सभी चीज़ों को दिखाया गया। और कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि जैसे जैसे लोग आगे की तरफ, मतलब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था तो लोगों के रहन सहन का जो तरीका है वो और बेहतर होते जा रहा था, ठीक है। इसी तरह की कुछ आपकी सिमिलर पेंटिंग्स आपको कोरिया डिस्ट्रिक्ट के गोडार और जो कुहाबुर रॉक आर्ट साइट्स है वहां पे भी इसी तरह की कुछ पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, जो एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है वो है आपका चिटवा डोंगरी जो कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को दिखाया गया है, जैसे कि एक चाइनीज जो है, एक चीनी आकृति जो है वो गधे की सवारी कर रही है, फिर आपके ड्रैगन्स के पिक्चर्स हैं, फिर आपका खेती करते हुए दिखाया गया है। ये कुछ कुछ कॉमन थीम्स है जो कि चिटवा डोंगरी जो है वो प्लेस वहां पर की पेंटिंग्स में दिखने को मिलता है। कुछ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रॉक पेंटिंग्स है वो आपकी पाई गई है बस्तर जिले के लिमदारिया में, फिर आपका जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के ओगदी, सीता, लेखनी, इन सब जगहों पे बहुत ही इंटरेस्टिंग रॉक पेंटिंग को देखने को मिला है। तो आपको ये बस ये पता होना चाहिए कि चिटवा डोंगरी के थीम्स क्या क्या है, वहाँ पे भी पेंटिंग पाई गई, फिर बस्तर जिला में जो लिमदरा है, फिर या फिर ओडगी कहें या सीता लेखनी, इन सब जगह पे भी चालकोलिथिक पीरियड की जो पेंटिंग्स है वो देखने को मिलती है। तो ये हम लोगों ने जो तीन इम्पॉर्टेंट फेजेस थे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की, उसकी जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, ठीक है, और उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे म्यूरल पेंटिंग्स की। तो म्यूरल पेंटिंग्स में जाने से पहले जरूरी है म्यूरल्स को समझना। तो कोई भी काम आपके बड़े बड़े दीवारों पर अगर किया जाता है या किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर पर किया जाता है ना, तो उसे ही हम लोग म्यूरल कहते हैं। और अगर इन बड़े बड़े दीवारों पर हम लोग पेंटिंग करते हैं या सॉलिड स्ट्रक्चर पर पेंटिंग करते हैं तो वो पेंटिंग कहला जाती है म्यूरल पेंटिंग। अब इन म्यूरल पेंटिंग की निर्माण कब से कब देखने को मिलता है, तो 2nd century BC से लेकर के 10th century AD तक आपके म्यूरल पेंटिंग्स का निर्माण हुआ है। अब म्यूरल पेंटिंग्स कहाँ कहाँ में मिलते हैं, तो जैसे अजंता की गुफाएं हो गई, अन्नामलाई की गुफाएं हो गई, रावण छाया की गुफाएं हो गई, बाघ, सीतान बंसल, कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा का, इन सब जगह पे हमें म्यूरल पेंटिंग जो है वो देखने को मिलती है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। और ज्यादातर जो आपकी म्यूरल पेंटिंग्स है या तो आपको नेचुरल केव्स में देखने को मिलती है जो कि मतलब प्राकृतिक रूप से जो बनी गुफाएं हैं या तो उसमें देखने को मिलती है, या फिर पत्थरों को काट करके जो चैम्बर तैयार किया गया है उसके वॉल्स पे हमें म्यूरल पेंटिंग देखने को मिलती है। और इन पेंटिंग्स का जो थीम होता है वो ज्यादातर या तो हिंदू धर्म से जुड़ा होता है, या तो बुद्धिस्ट धर्म से जुड़ा होता है, या फिर जैन धर्म से जुड़ा होता है।
और इसके अलावा जो बहुत सारे साधारण आपके प्रीमिसेस हुआ करती थी जहाँ पे कोई भी डेकोरेशन नहीं था, तो उसको भी डेकोरेट करने के लिए म्यूरल पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि जोगी मारा की गुफाएं जो है उसके अंदर एक एंशियंट थिएटर रूम है, उसको डेकोरेट करने के लिए भी म्यूरल पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे म्यूरल पेंटिंग्स इन इंडिया की कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो म्यूरल पेंटिंग क्यों यूनिक है, तो म्यूरल पेंटिंग इसलिए यूनिक है क्योंकि इनका साइज जो है वो बहुत यूनिक होता है। ठीक है, हम लोग म्यूरल पेंटिंग को कभी भी एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में नहीं बना सकते, जैसे जब भी बनाना होगा तो हम लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की दीवारों पर बना सकते हैं, जैसे आपकी गुफाएं हो गई या टेम्पल वॉल्स हो गए, तो उस पर हम लोग जनरली म्यूरल पेंटिंग्स का निर्माण करते हैं। छोटे से पीस ऑफ पेपर पे जो बनाया गया चित्र है वो म्यूरल पेंटिंग नहीं कहलाएगा। और जो इस एंशियंट पीरियड के दौरान तीन मेजर रिलीजन्स ने म्यूरल पेंटिंग का इस्तेमाल किया अपने धर्म को प्रोपगेट करने के लिए, उससे रिलेटेड चीजों को दिखाने के लिए। और ये तीन इंपॉर्टेंट धर्म है बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, इससे रिलेटेड ही ज्यादातर म्यूरल पेंटिंग्स बनी है। अजंता एलोरा केव्स एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ पर आपको म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। सो ये जो है ये आपका म्यूरल पेंटिंग्स को एक दिखाया गया कि बड़े से दीवार पे आपकी जो ड्रॉ की गई है, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड म्यूरल पेंटिंग। अब हम लोग बात करेंगे अजंता केव की पेंटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितना भी आपके अलग अलग म्यूरल्स देखने को मिलते हैं, हमें पाए जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो सबसे पुराना म्यूरल है जिसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनाया गया है वो आपकी अजंता केव की पेंटिंग्स है। ठीक है, वो आपका सबसे पुराना म्यूरल आपको अजंता केव के अंदर ही मिलता है और इसे कार्व किया गया था 4th century AD में, और जो वोल्केनिक रॉक्स थे ना, तो वोल्केनो से निकल के जो पत्थर बनते उस पे जो क्रेविंग की गई थी वो आपकी सबसे पुरानी है, दैट इज द ओल्डेस्ट म्यूरल। अब अजंता केव में कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं और इन सभी को एक घोड़े की नाल के आकार में इन्हें तराशा गया है। ये जो केव है वो बेसिकली अपने जो म्यूरल पेंटिंग्स है ना उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है, और इन म्यूरल पेंटिंग्स को कंप्लीट होने में कम से कम 4 से 5 शताब्दी जो है समय लग गया था, यानी 4 to 5 centuries का समय लगा था इसे पूरे मॉडर्न एम्पायर के पूरे रिज्न के दौरान इस म्यूरल पेंटिंग्स को कंप्लीट होने में। जो म्यूरल्स आपके केव नंबर 9 और केव नंबर 10 में आपको देखने को मिलती हैं वो आपके मॉडर्न पीरियड की नहीं बल्कि वो सुंगा पीरियड की हैं, जबकि बाद की जो भी है ना वो आपकी गुप्ता पीरियड को बिलोंग करती हैं। अगर हम लोग केव नंबर 1 और केव नंबर 2 की म्यूरल पेंटिंग की बात करें तो जितनी भी पेंटिंग्स बाकी सारे गुफाओं में बनी है उसमें से सबसे जो रीसेंट सबसे हाल फिलहाल में जो बनी है वो आपकी केव नंबर 1 और 2 की है, बाकी सारी इनसे पुरानी है, ये सबसे जो है वो रीसेंट में बनी है केव नंबर 1 और 2 वाली। अजंता केव की जो वॉल्स है यानी कि जो दीवारें हैं उस पर आपको न सिर्फ म्यूरल्स पेंट देखने को मिलेंगे, इसके अलावा फ्रेस्को पेंटिंग्स ये भी आपको देखने को मिलेंगे इनकी गुफाओं के दीवारों पर। अब फ्रेस्को पेंटिंग जिसे हम लोग हिंदी में भित्ति चित्र के नाम से भी जानते हैं, तो इस फ्रेस्को पेंटिंग का मतलब होता है कि ये एक वेट प्लास्टर पे यानी गीले प्लास्टर के ऊपर जब पेंटिंग की जाती है ना तब उसे हम लोग फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। अगर स्टाइल के बारे में हम लोग बात करें तो ये इस्तेमाल करते थे टेम्परा स्टाइल। टेम्परा स्टाइल का मतलब होता है पिगमेंट्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, अब इस पेंटिंग्स में क्या दिखाने की कोशिश की जाती थी, तो जनरली ये जो पेंटिंग्स आप अजंता की गुफाओं में पाएंगे उसमें आप देखेंगे कि ह्यूमन वैल्यूज को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती थी अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल करके, और उस पीरियड में जो लोग कॉस्ट्यूम पहनते थे, जैसा उनका स्टाइल था, जो उनके ऑर्नामेंट्स थे, उस सब चीज़ों को इनके पेंटिंग्स पर डिपिक्ट करने की कोशिश की जाती है। और अगर आपका कोई भी इमोशंस दिखाना हो, हंसना, बोलना या शांत कुछ भी, तो उसे एक्सप्रेस किया जाता था उसके हैंड गेस्चर्स के द्वारा यानी कि हाथों की मुद्राओं के जरिए ये दिखाया जाता था कि सामने वाले का इमोशंस किस प्रकार का है। एक और बहुत ही जो खास फीचर है अजंता केव की पेंटिंग्स की वो ये कि इसमें जितनी भी फीमेल फिगर दिखाने की कोशिश की गई है सभी का हेयर स्टाइल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनूठा है, यूनिक है। ऐसा नहीं है कि जितने भी फीमेल फिगर्स हैं उन सभी के हेयर स्टाइल बिल्कुल एक जैसे हैं, हर एक का अपना अलग अलग हेयर स्टाइल है। इनफैक्ट इसमें जो एनिमल्स और बर्ड्स को भी दिखाने की कोशिश की गई है तो उनके भी इमोशंस के साथ दिखाने की कोशिश की गई है, बहुत प्लेन से एनिमल बर्ड्स को नहीं दिखाया गया है। आगे बात करते हैं, अब इन पेंटिंग्स का थीम क्या होता था, तो कोई भी पेंटिंग अगर बन रही है तो किसी चीज पर आधारित होगी, तो ज्यादातर ये जो पेंटिंग्स अजंता की गुफाओं में आपको देखने को मिलेगी वो या तो जातक कथाओं पर आधारित है या फिर भगवान बुद्ध के जीवन से आधारित है या फिर जो फ्लोरा और फाउना है उसके कुछ डेकोरेटिव पैटर्न्स है उसको दिखाने की कोशिश की जाती थी।
बहुत सारे जो पेंटिंग्स है उसमें आपको ह्यूमंस के और एनिमल्स के ग्रेसफुल पोजेस भी देखने को मिलेंगे, कभी कोई ध्यान मुद्रा में तो कभी किसी पर्टिकुलर मुद्रा में उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और जो मीडियम इस्तेमाल किया जाता था पेंट करने के लिए, वो मीडियम जनरली आपका या तो वेजिटेबल या फिर मिनरल डाई हो सकता था। और जो आउटलाइन होती थी, यदि बाहर का जो आउटलाइन करते थे ना, वो आउटलाइन यूजुअली रेड ओकरे से की जाती थी, जबकि कॉन्टूर देने का काम जो है वो किया जाता था या तो ब्राउन कलर से या फिर काले रंग से या फिर लाल, मतलब गहरे लाल रंग से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अजंता केव की जो पेंटिंग्स है उसमें आउटलाइन रेड ओकरे की मदद से की जाती थी और काउंटर्स जो है वो आपका ब्राउन, ब्लैक या फिर डीप रेड में होता था। तो ये हम लोगों ने बात करी अजंता केव की पेंटिंग्स के बारे में, और एक यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई इस तरह का एक अजंता केव की जो पेंटिंग्स है उसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। अजंता की गुफाओं के पेंटिंग्स के बाद अब हम लोग बात करेंगे एलोरा केव पेंटिंग्स की। तो एलोरा केव्स जो है वो भी वहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिलती है, और ये जो पेंटिंग्स है ये बेसिकली 5 गुफाओं में पाई जाती है, और उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा म्यूरल पेंटिंग्स पाई जाती है तो वो कैलाश टेम्पल में होती है। इन म्यूरल पेंटिंग्स को एक बार में नहीं बनाया गया, इन म्यूरल्स को 2 स्टेजेस में बनाया गया, 2 अलग अलग फेजेस में बनाया गया। सबसे पहले फेजेस में क्या किया गया, तो जिस समय आपके केव्स की कार्विंग हो रही थी उस समय पेंटिंग्स बनाई गई, तो वो पहला फेज था। फिर दूसरा फेज क्या था ना, जो फर्स्ट फेज के कई सदियों के बाद उसे तैयार किया गया। तो जितने भी म्यूरल्स अगर आप देखेंगे एलोरा केव्स में, तो याद रखिएगा कि एक बार में वो नहीं बने, 2 अलग अलग फेजेस में बने, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में। जो शुरुआत की जो पेंटिंग्स है उसमें क्या थीम दिखाने की कोशिश की गई है, तो हम लोग जानते हैं गरुड़ जो कि एक सेलेस्टियल बर्ड है, उसके ऊपर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ बादलों के बीच से गुजरते हुए दिखाया गया है। बाकी जो पेंटिंग्स है उसे गुजराती स्टाइल में बनाया गया, और ज़्यादातर जो शैव धर्म के जो होली मैन थे ना, शैव साधुओं को उसे दिखाने की कोशिश की गई है, उनके जुलूस को, उनके प्रोसेशन को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। और ये जो पेंटिंग्स हुआ करती थी ना, ये तीनों ही धर्म से जुड़ी होती थी। अब ये 3 धर्म क्या थे, तो हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन तीनों ही धर्म से रिलेटेड पेंटिंग्स को एलोरा केव्स में आपको देखने को मिलेंगी। अब एक उदाहरण देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है केव नंबर 16, वहाँ के वॉल पर एक पेंटिंग बनी हुई है और उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह की कुछ पेंटिंग आपको अगर आप एलोरा केव में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। एलोरा केव के पेंटिंग्स के बाद हम लोग बात करते हैं बाघ केव की पेंटिंग्स की। तो बाघ केव कहाँ स्थित है, तो बाघ केव से मध्य प्रदेश में स्थित है, और इनमें जो आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, ये पेंटिंग्स अजंता की गुफाओं की जो पेंटिंग्स है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। किस टर्म में, तो जैसा डिजाइनिंग है, जिस तरह से उसे एग्जीक्यूट किया गया है, उसमें जिस प्रकार का डेकोरेशन यूज़ किया गया है, ये तीनों ही चीज़ बाघ केव की पेंटिंग्स और अजंता केव्स, इन दोनों की काफ़ी मिलती जुलती है। ठीक है, अगर ये तो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी हो गई कि डिज़ाइन सेम है लगभग, एग्जीक्यूशन सेम है, डेकोरेशन सेम है, अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो कि ये बाघ केव की पेंटिंग्स है और ये अजंता केव की, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है ना कि बाघ केव की जो पेंटिंग्स है उसमें जो भी फिगर्स दिखाने की कोशिश की गई है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, एग्जैक्टली उनके आउटलाइंस जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिस प्रकार वो एक्चुअली दिखते हैं उनको उस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है, बहुत ही अर्थली और ह्यूमन के तौर पर उसे दिखाने की कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ें नहीं उसमें इंक्लूड की गई, जैसे वो वास्तविक रूप में दिखते हैं वैसे दिखाने की कोशिश की गई है। और यही सबसे बड़ा अंतर है अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स और बाघ केव पेंटिंग्स में। एक केव नंबर 4 है जिसका हम लोग नाम रंग महल के नाम से जानते हैं, केव नंबर 4 को, और उसमें बहुत ही खूबसूरत से म्यूरल्स हैं दीवार पे बने हुए, और ये डिपिक्ट क्या करते हैं, तो या तो आपको जातक कथाएं दिखाते हैं या फिर बुद्धिस्ट कथाएं दिखाती हैं। जिस प्रकार अजंता की गुफाओं में ये सारे थीम्स थे, मैंने आपको बताया कि जातक की कथाएं वहाँ पे दिखाए गए, बुद्धास के लाइफ से जुड़े हुए थीम्स होते हैं, डेकोरेटिव फ्लोरा और फौना, तो यहाँ पे भी जो पेंटिंग्स हैं उनके थीम कुछ इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप देखिए ये जो पेंटिंग्स है वो ज्यादातर जो है वो रिलीजियस थीम्स को दिखाते थे, मतलब कुछ कुछ पेंटिंग्स थी जो कि रिलीजियस थीम्स पर आधारित थे, लेकिन बहुत सारी पेंटिंग ऐसे भी थी ना जो कि उस समय के लोग किस प्रकार रहते थे, उनका जीवन किस प्रकार का होता था उसको दिखाते थे, और इसीलिए ज्यादातर जो पेंटिंग है वो सेक्युलर नेचर की है।
कुछ रिलीजियस थीम पे जरूर है, लेकिन चूंकि बाकी सारी जो पेंटिंग्स है वो आपके नॉर्मल लोगों के जीवन पर आधारित है, इसीलिए वो सेक्युलर नेचर की थी, यानी किसी पर्टिकुलर धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों की लाइफस्टाइल दिखाती थी। तो यहाँ पे आपको बाघ केव की एक पेंटिंग दिखाई गई है, कुछ इस तरह की पेंटिंग आपको अगर आप बाघ की गुफाओं में जाएंगे तो वहां पे देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे अरमा मलाई केव पेंटिंग्स की। तो ये पहले केव्स कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में एक जिला है जिसे हम लोग वेलोर के नाम से जानते हैं, तो ये वहां पर स्थित है और इन्हें 8th century में जैन मंदिर में बदल दिया गया, ठीक है। और इसके अंदर ना आप पाएंगे कि अनबेग्ड मड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और ये अनबेग्ड जो मड स्ट्रक्चर्स हैं ये वैसे जगह के रूप में काम करते हैं जहां पर जैन जो मतलब संत होते हैं वो आराम करते हैं, ठीक है। अब जो ब्यूटिफुल कलरफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स एंड रूफ डिपिक्ट द टेल्स अस्तिक पलाकाज एंड जैनिज्म। So, अगर आप देखेंगे ना तो न सिर्फ इनके दीवारों पर बल्कि छतों पर भी बहुत ही खूबसूरत सी और कलरफुल पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, और ये जो कलरफुल पेंटिंग्स हैं ये आपकी आस्तिक पालक यानी कि आठों कॉर्नर्स पे देवताओं को दिखाती हैं और जैनिज्म से जुड़े इनके थीम्स हैं, ठीक है, अरनामलाई केव टेम्पल्स केव पेंटिंग्स में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीतान वसल केव पेंटिंग्स की। तो ये जो है बहुत ही फेमस रॉक कट केव्स है, सीतावंसाल केव। रॉक कट केव्स कहने का मतलब है कि बड़े से पत्थर को काट करके केव्स बनाया गया है, और ये कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में एक शहर है जिसे हम लोग पुडुकोट्टई कहते हैं, उसके नॉर्थ वेस्ट में अगर हम लोग 16 किलोमीटर चलेंगे तब जाके हम लोग सीतावंसल केव में पहुंच जाएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है इसलिए क्योंकि जैन टेम्पल्स की पेंटिंग के तौर पर ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और अगर पेंटिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो जिस प्रकार बाघ केव की पेंटिंग्स अजंता से काफी मैच करती है, उसी प्रकार सीतावंसल केव की जो पेंटिंग्स है वो बाघ और अजंता पेंटिंग्स इन दोनों से ही काफी ज्यादा मिलती है। इसके म्यूरल्स इन दोनों के म्यूरल से काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, और इसमें जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो भी आपको चित्र देखने को मिलेंगे, न सिर्फ वो दीवारों पर है बल्कि वो आपकी छतों पर भी है और आपके जो पिलर्स होते हैं ना स्तंभ उस पर भी आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी सीतावंसल केव में। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये जो गुफा है वो पल्लव पीरियड को बिलोंग करते हैं, और किंग महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट है उन्होंने इसमें मंदिर की खुदाई करवाई थी, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, इसे 9th century में श्राइन को पांड्या रूलर इन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया, इसे वापस से रिनोवेट करने का काम किया, ठीक है। तो दो अलग अलग मत है, कुछ लोग पल्लव के पीरियड का मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि पांड्या रूलर ने इन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया था। आगे बात करते हैं जो मीडियम इस्तेमाल की गई है सीतावंसाल की पेंटिंग्स में, वो मीडियम्स है कि वेजिटेबल और मिनरल डाई, तो इन्हीं दोनों का, या तो वेजिटेबल डाई का इस्तेमाल किया गया है या फिर मिनरल डाई का इस्तेमाल किया गया है, और एंड इज डन बाय पुटिंग कलर्स ऑन द सर्फेस ऑफ थीन वेट लाइन प्लास्टर। और जो पेंटिंग किस प्रकार तैयार की गई है, तो पतला सा आपका जो गीले लाइन का प्लास्टर है ना उसके ऊपर कलर्स को पुट करके और तब जा करके इस केव की पेंटिंग्स को बनाया गया है। और जो कॉमन कलर्स आपको ज्यादातर कलर्स जो सीतावंसल की पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगे वो या तो पीला रंग होगा, या तो हरा रंग होगा, या तो ऑरेंज, या फिर नीला रंग, या फिर काला, या फिर सफेद। तो ये कुछ प्रोमिनेंट कलर्स थे जो कि ज्यादातर आपको सीतावंसल की पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग रावण छाया रॉक सेल्टर की। तो ये जो पुरानी भित्ति चित्र थे फ्रेस्को पेंटिंग्स एक रॉक शेल्टर पे, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये उड़ीसा में क्योंझा जिला है वहां पर स्थित है ये रावण छाया रॉक सेल्टर। और ये जो एक अधि आधी खुली छतरी के आकार में, जिस तरह से एक छतरी को अगर हम लोग आधा खोलते हैं तो उसका आकार जिस प्रकार का होता है ना, रावण छाया रॉक सेल्टर का भी आकार कुछ उसी प्रकार का है, और कुछ बहुत ही पुरानी भित्ति चित्र जो है वो आपको रावण छाया रॉक सेल्टर में देखने को मिलेंगे। अब ये जो शेल्टर है ना, ये आपके रॉयल हंटिंग लॉज के तौर पर काम किया करता था, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग जो आपको रावण छाया रॉक सेंटर में देखने को मिलेगी वो एक 7th century का एक रॉयल प्रोसेशन यानी कि शाही जुलूस जो जा रहा है उसकी एक पेंटिंग की गई है, और जितनी भी पेंटिंग्स है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शाही जुलूस की पेंटिंग ही है। और जो रिमेन्स है चोला पीरियड की पेंटिंग्स की, वो ऐसा माना जाता है कि वो 11th century की है और वो भी प्रेजेंट है रावण छाया रॉक सेंटर में। तो एक तो शाही जो जुलूस है उसकी पेंटिंग है वो 7th century की है, इसके अलावा चोला पीरियड में जो भी पेंटिंग्स तैयार हुई जो कि 11th century को बिलोंग करती है वो पेंटिंग्स भी आपको रावण छाया रॉक सेंटर में देखने को मिल जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं लिपाक्षी पेंटिंग्स की।
तो ये जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर स्थित है और इन्हें लिपाक्षी मंदिर जो है उसकी जो दीवारें हैं उस पर इन्हें बनाया गया है। अब इन्हें किसके दौरान बनाया गया है, तो विजयनगर पीरियड के दौरान इसका निर्माण किया गया था और इसके जो थीम है जिस पर आधारित ये पेंटिंग्स बनाई गई है वो थीम्स काफी सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष है, किसी भी पर्टिकुलर धर्म से ये जुड़े हुए नहीं है। और ज्यादातर जो पेंटिंग्स है उसमें आप देखोगे कि प्राइमरी कलर्स का इस्तेमाल न के बराबर हुआ है और खास करके जो ब्लू कलर है जो कि एक प्राइमरी कलर है उसका इस्तेमाल आपको लिपाक्षी पेंटिंग में देखने को नहीं मिलेगा। अगर अभी तक जितने भी पेंटिंग्स के हम लोगों ने जिक्र किया तो लिपाक्षी पेंटिंग में आप देखोगे कि जो पेंटिंग की क्वालिटी है वो उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं है और हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर तक आते आते जो पेंटिंग्स की क्वालिटी है उसमें पतन देखने को मिलता है, उस पर डिक्लाइन देखने को मिलता है और इसमें जो आपके फॉर्म्स है, फिगर्स है और उनके कॉस्ट्यूम्स का डिटेल है इन सभी को ब्लैक कलर से आउटलाइन किया गया है, जिस तरह से अजंता केव्स में रेड कलर का इस्तेमाल किया गया था आउटलाइनिंग के लिए, फिर काउंटर के लिए डार्क रेड का इस्तेमाल किया गया था और बाकी कलर्स का यहाँ पर आउटलाइन करने के लिए, कॉस्ट्यूम वगैरह के डिटेल्स को दिखाने के लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है। लिपाक्षी पेंटिंग का एक उदाहरण यहाँ पे दिखाया गया है कि ये आपको एक लिपाक्षी पेंटिंग को दिखाया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बात करी म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में और भी पेंटिंग्स के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स और उसके अलग अलग स्टाइल के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।